ये मेरा कलाम ज़रा बड़ों से है, बड़ों से। अब्बा जी को चाहिए बच्चा जितनी गलती करे ना उतना ही डांटे, वो फिर 6 हफ्ते ना डांटना शुरू कर दे। उस्ताद साहब को चाहिए कि जितनी बच्चे की कमज़ोरी है ना, मुझे पता है सबसे ज़्यादा किस बात से तकलीफ़ होती है, आपके बच्चे ने गलती की है, आप अपने बच्चे को डांट लें, समझा लें, आप किसी और के सामने उसकी तजलील कभी ना करें, ये ज़्यादती वाली बात है, आप उसे रुसवा ना करें। बताएं किसी ऐसे शख्स को जिससे आपको उम्मीद है कि आपको मशवरा देगा या उसे समझाएगा, लेकिन गली गली खड़े होकर अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए उसकी तोहीन ना करें, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। इससे बच्चों की इंसल्ट होती है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, हर जगह रोना रोना मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप, ये बच्चा तो आपकी कमाई है, असास है, हुस्न है, नस्ल है, असल है, और इस कदर ज़्यादा तकलीफ़ देना, जगह जगह शिकायतें, जगह जगह बातें। हमारे बच्चे हमारे हैं ना, तो उनकी इज्जत किसकी है, क्यों हम गली गली अपने बच्चों की रुसवाई करते हैं, क्यों कमज़ोरियाँ, और जिनको हम खैर खास समझ के बता रहे होते हैं ना, वो आगे जाके मज़े ले ले के बताते हैं, तो नुकसान किसका हुआ, हमारा, हमारे कबीले का, हमारे घर का। ये देखिए ज़रा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिजाज के लिहाज से सख्त हैं। एक नौजवान आया, उसने आके रोना, ये पहलू आपने ज़रूर याद रखना है मेरे सैयदना फारूक आज़म का, हमारे इमाम, हमारे कायद, हमारे लीडर, रहनुमा, मुक्तदा हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, ये अंदाज़ ज़रूर याद रखिएगा हज़रत उमर फारूक का, ये तबकात इब्ने साद में मौजूद है। नौजवान आया और आके रो ही पड़ा, हज़रत उमर ने उसको रोते देखा तो फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है, हुजूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं, फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, जब मुझे सज़ा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सज़ाएँ मुझे दी गई, ये मैं हज़रत उमर की बात कर रहा हूँ, मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं रो पड़ा था। हज़रत फारूक आज़म ने उस नौजवान की बात सुनी, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उस गुनाहगार की बात सुनी, उस गुनाहगार की बात सुनी, तो हज़रत उमर रो पड़े और फरमाया, बुलाओ ना उन गवर्नर साहब को, वो भी बड़े समझदार बावकार बड़े आदमी थे, बुलाया और बुला के फरमाया, आपका इस जुर्म पर गुस्सा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको किसने इजाजत दी कि आप उसे इतनी तकलीफ दें, आपने कोड़े मार लिए जो सजा बनती थी, और फिर आपने क्यों करके लोगों से कहा इससे मिलना जुलना छोड़ दें? फरमाया, मैं आपको हुक्मन कहता हूं, अगर आज के बाद आपने कोई ऐसा काम किया तो मैं आपको सजा दूंगा। फरमाने लगे, आपने कहा था ना लोग इनसे मिले जुले ना, फरमाया, अब आप ही लोगों से कहें इनसे मुलाकात शुरू करें। जब इन्होंने तौबा कर ली, अपना गुनाह मान लिया, जब इकरार कर लिया, माफी मांग ली, अब सजा का क्या माना हुआ, अब तकलीफ का क्या माना हुआ? सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अगर ये सच्ची तौबा कर ले तो फिर तो इनकी गवाही भी कबूल की जाएगी, इनकी गवाही तक हम कबूल करेंगे। वो किसी ने कहा था, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग माफ़ी नहीं देते, लोग दरगुजर ही नहीं करते, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी ने तौबा कर ली, और सही हदीस में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कभी किसी बंदे से कोई गुनाह हो गया फिर उसने तौबा कर ली, अगर किसी ने उस बंदे को दोबारा वो गुनाह याद कराया तो अल्लाह ताला इस बंदे को याद कराने वाले को सजा देगा, मरने से पहले पहले इसे भी उस गुनाह में मुबतला कर देगा।